अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लास्ट ईयर सन 2023 में आपने जितनी भी मूवीज देखी उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली मूवी कौन सी थी, तो मुझे लगता है आपका जवाब होगा 12th फेल। उस मूवी में जो रियल स्ट्रगल दिखाया गया था उस सभी को हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो उसी मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए हमें गिटार को भी आगे बढ़ाना है। क्यों? जिस तरीके से होता है ना कि फेल हो गए फिर रिस्टार्ट करो, फिर फेल हो गए फिर रिस्टार्ट करो, तो ऐसा ही सेम जो एजेंडा है आपको रखना है अपनी गिटार लर्निंग में, कि जिससे कि आपसे कॉर्ड नहीं प्ले हो रहे कोई बात नहीं, रीस्टार्ट दोबारा से प्ले करेंगे। तो इसी मूवी का एक गाना आज हम लोग सीखने वाले हैं। इस गाने की खास बात यह है कि ये गाना आजकल के नॉर्मल पॉप रोमांटिक सॉन्ग जैसा नहीं है, बल्कि एक इंडियन क्लासिकल टच इस गाने में है। ऐसे गानों को बजाने और गाने से आपका म्यूजिक सेंस काफ़ी एनहेंस होता है। तो हम सीखने वाले हैं बोलो ना फ्रॉम द मूवी 12th फेल, और आप देख रहे हैं सिर्फ गिटार चैनल। मैं हूं अक्षय। चलिए बात करते हैं गाने के टेक्निकल्स के बारे में। तो ये गाना जो है डी मेजर स्केल का गाना है, और इसमें बहुत सारे कॉर्ड्स, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले कॉर्ड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डी मेजर कॉर्ड के साथ। नेक्स्ट कॉर्ड इज ए मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज जी ओपन कॉर्ड। इससे अगला कॉर्ड होगा बी माइनर कॉर्ड, जो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और बार के साथ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड है डी सेवन कॉर्ड, जो गाने में एक ही बार हमने यूज किया है। उसके अलावा एक टिपिकल कॉर्ड जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, दैट इज बी सस टू। तो आपको क्या करना है, जो बी माइनर का बार शेप होता है ना, उसमें से मिडिल फिंगर अगर आप हटा दें तो ये कॉर्ड बन जाता है बी सस टू। ठीक है, तो इस कॉर्ड की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो गाने में कोई बहुत ज़्यादा टफ कॉर्ड्स नहीं है, एक या दो कॉर्ड्स हैं जो आपका थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस ठीक से करेंगे तो आई होप यू विल बी एबल टू प्ले इट। एक आखिरी कॉर्ड जो रह गया है, दैट इज सी मेजर कॉर्ड। तो ये सारे कॉर्ड्स आपको इस गाने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रमिंग के बारे में। तो गाने में देखिए, क्योंकि ये देखा जाए तो प्रॉपर पॉप सॉन्ग जैसा नहीं है, इंडियन क्लासिकल है, तो इसमें बजाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर रिदमिक पैटर्न जस्टिफाई नहीं होता। तो मैंने गाने के प्ले थ्रू में ऑलमोस्ट तीन तरीके से ये गाना प्ले किया है। एक तो सीधी सी अप्रोच है कि सिंगल स्ट्रम्स होगा वन नंबर बीट पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से। दूसरा है जिसमें हम लोग कुछ ऐसा साउंड देंगे, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं 1 और 2 के एंड पे प्ले कर रहा हूं। सो 1 2 एंड 3 4, 1 2 एंड 3 4, 1 2 एंड 3 4, 1 2 एंड 3 4। ओके, ये है हमारा पैटर्न नंबर 1। दूसरा पैटर्न जो मैंने गाने में यूज किया है, जो एक पर्टिकुलर हिस्सा है जिसमें फुल इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है गाना, उसमें हम लोग प्ले कर रहे हैं 1 2 3 4। सो इट्स लाइक पहले 3 स्ट्रोक्स कर रहा हूं डाउन डाउन डाउन, अब चौथी बार में 4 स्ट्रोक्स एक साथ है डाउन अप डाउन अप। सो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ओके, और इसके अलावा एक दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न जो इस गाने में आप यूज कर सकते हैं वो होगा, I'm doing down 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 up 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 down 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 up 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 down। ठीक है, तो कुल मिला के 4 तरीके से मैंने इस गाने में प्ले किया है। सिंगल स्ट्रम्स 1 2 एंड 3 4, जिसमें 2 स्ट्रम्स आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, और आखिरी डाउन डाउन अप 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 डाउन वाला जो स्ट्रमिंग है उसी के वेरिएशन है, डाउन 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 अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन। ओके, तो ये पैटर्न्स आप अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए, प्ले थ्रू को ध्यान से देखिए, एक एक पार्ट उठाइए। पूरा गाना एक साथ नहीं प्ले हो पा रहा है तो ऐसे परेशान नहीं होना है, पहले एक पार्ट
डिसाइड कीजिए कि मुझे सिर्फ इतना पार्ट प्ले करना है, देन नेक्स्ट पार्ट, और फिर पूरा गाना ट्राई करेंगे, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्ले इट। तो चलिए अब बात करते हैं इस गाने के इंट्रो के बारे में। इस गाने के इंट्रो में एक फ्री फ्लोइंग पार्ट है। फ्री फ्लोइंग का मतलब एक ऐसा पार्ट जिसमें कोई पर्टिकुलर बीपीएम फॉलो नहीं करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स या वोकल्स, बल्कि एक फील के हिसाब से कब गाना है, कितना गाना है, स्ट्रेच करना है, वो काइंड ऑफ जैसे कई गानों के शुरू में एक अलाप होता है ना, इंडियन क्लासिकल में अलापचारी होती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि आप कितना डीपली उसको आराम से फील करके गा पा रहे हैं। तो इस पार्ट में कोई पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि सिंगल सिंगल स्ट्रम्स आर्पेजिएटेड वे में आप कॉर्ड्स को प्ले करेंगे। आप साथ में एक बार प्ले करके देख लेते हैं गाने की तरफ। मुझे लगता है कि आज आपको ये लेसन अच्छे समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी दिक्कतें हैं उसका समाधान भी हमारे पास है, तो वो भी कमेंट करने पे ही हमें पता चलेगा और हम आपके कमेंट्स को बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन तक, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।